नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहां पर देखने वाले हैं वो हो जाता है बीकॉम थर्ड ईयर का, हो जाता है अपना मनी फाइनेंशियल सिस्टम का यहां पर मॉडल पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं 2022 में। किसमें भाई? 2022 में आपको क्या मिलेंगे, ये मॉडल पेपर के क्वेश्चन बिल्कुल सेम देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बस इतने ही क्वेश्चन आपको कवर करना है, बाकी क्वेश्चनों को बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन यहां पर बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए, मतलब जो हमारे एग्जाम में छप रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है मॉडल पेपर का। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए नोट्स की इसके, ठीक है, मतलब मनी फाइनेंशियल सिस्टम जो है इसके नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में रखा है उसका लिंक, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस इतने ही पढ़ने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में कौन कौन से हैं जो हमारे एग्जाम में इस बार छप रहे हैं। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आता है मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा की परिभाषा क्या होती है, आधुनिक जीवन में मुद्रा का योगदान क्या है तथा इसके कार्य, गुण और दोष आपको बताना है। भाई एग्जाम में छपते हुए दिख रहा है और आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपना, तो बात करते हैं उच्च शक्ति की परिभाषा आपको बताना है। उच्च शक्ति होती क्या है इसकी परिभाषा बताया था, इसके संघटकों तथा इसके अस्तित्व के बारे में आपको बताना है। इसके अस्तित्व कौन कौन से, इसके संघटक कौन कौन से हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, मॉडल पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, बैक क्वेश्चन आता है विभिन्न प्रकार की मुद्रा की व्याख्या करना है। विभिन्न प्रकार की मुद्रा की व्याख्या करना है तथा इसकी विशेषताएं भी आपको बताना है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, वित्त क्या है, है ना, वित्त जो है वो है क्या, इसकी अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को आपको क्या है समझाते हुए वित्तीय प्रणाली की विशेषता भी आपको बतानी पड़ेगी। और आपको हेडिंग पर थोड़ी सी ज्यादा भूमिका देनी है। ठीक है, हेडिंग ज्यादातर याद रखना है क्योंकि हेडिंग डालकर ही क्या करना है, आंसर देना है, तो आपके नंबर कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, बिना हेडिंग से आंसर मत देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का अपना हो जाता है वित्तीय बाजार का वर्गीकरण करते हुए इसकी विशेषताओं व कुशलताओं के लिए, सॉरी कुशलताओं को लिखिए, मतलब कुशलताओं को आपको यहां पर समझाना है। वित्तीय बाजार का वर्गीकरण करते हुए उसकी विशेषताओं तथा उसकी कुशलताओं के लिए आपको लिए लिखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2022 में आपको देखने को मिलने वाला है, वो हो जाता है पूंजी बाजार का क्या आशय है। पूंजी बाजार किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है, इसकी विशेषताएं तथा व औद्योगिक विकास में इसकी भूमिका आपको बतानी है, भाई क्या अदा करती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूंजी बाजार से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला एग्जाम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना कौन सा हो जाता है, बैंक क्या है, है ना, बैंक होती क्या है इसके बारे में बताना है, इसके प्रकार इसके कार्य भी आपको लिख देना है तथा अर्थव्यवस्था में बैंक का कर महत्व क्या होता है ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, मतलब बैंकों का महत्व होगा यहां पर, बैंकों का महत्व क्या होता है इसके बारे में बताना है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में छपते हुए आपको मिलेगा, बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य क्या होता है तथा कंपनी की व्याख्या भी आपको करना है, सॉरी कंपनी ने कमियां है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य तथा उसकी कमियां दे रखा है, कमियों की आपको क्या करना है भाई, व्याख्या करनी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, सहकारी बैंक को परिभाषित कीजिएगा। सहकारी बैंक किसे कहते हैं इसको परिभाषित करना, तो भारत में सहकारी बैंक की संरचना का वर्णन कर देना है भाई। ठीक है, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, 10 से 15 क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चन याद करना है, सारे के सारे क्वेश्चन यहां मिलने वाले हैं आपके एग्जाम वाले। बात करते हैं सहकारी तथा वाणिज्य बैंक में अंतर बताइएगा। सहकारी बैंक किसे कहते हैं, वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं, दोनों में अंतर आपको यहां पर बताना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, शाखा क्या है, शाखा किसे कहते हैं, इसके प्रकार, इसका निर्माण, इसकी सीमाएं क्या होती हैं, इनके बारे में आपको बताना है भाई। मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कवर कर लेना सारे के सारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त निगम पर निबंध लिखना है। राज्य वित्त निगम होता क्या है इस पर निबंध लिख दो, हेडिंग डाल डालकर। बात करते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय समस्याओं को लिखना है, जो गैर बैंकिंग वित्तीय समस्याएं होती हैं उनके बारे में लिखिए, इसका कार्य और महत्व भी आपको बता देना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर रहने वाला है, मौद्रिक नीति का अर्थ बताते हुए उसके उद्देश्य बताइएगा भाई। ठीक है,
आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा बन जाता है। तो बात करते हैं ये मॉडल पेपर जो दिख रहा है आपके सामने ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम देखने को मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक है क्या, इसके महत्व और इसका कार्य बताना है, और वर्तमान में पूछ सकता है इसके गवर्नर वर्तमान में कौन है। तो याद कर लेना, लिख के लेना, 100% देखने को मिलेगा। आगे की बात करते हैं, देखो यहां दे रखा है साख की मात्रा को परिभाषित करते हुए उसके तत्व, उसको प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनको आपको बताना है, और साख होती क्या है इसके बारे में बताना है, इसके तत्व और मुद्रा के प्रकार भी आपको यहां पर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन सा बनने वाला है। बात करते हैं उच्च शक्ति मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा किसे कहते हैं तथा सामान्य मुद्रा के भेद, उच्च शक्ति मुद्रा एवं सामान्य मुद्रा के दोनों के आपको क्या बताना है भाई, भेद बताना है। और मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक हो जाते हैं उन्हें बहुत ही अच्छे प्रकार से लिख देना है, हेडिंग डाल डालकर। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो 2022 में आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो बात करते हैं, यह हो जाता है अंतरराष्ट्रीय वित्त के स्त्रोत आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त के स्त्रोत कौन कौन से होते हैं, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन। वित्त में आपको क्या बताना है भाई, विभेद बताना है, अंतर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे की बात करते हैं, वित्त मुद्रा पूंजी खास में अंतर आपको बताना है। वित्त किसे कहते हैं, पूंजी है और वित्त है, मुद्रा है, पूंजी है, और साख में आपको क्या बताना है भाई, अंतर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तथा आपको स्मार्ट मुद्रा जो एटीएम होता है ना, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखने को मिलेगी देखने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की व्याख्या करो, क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं इसकी व्याख्या करना है, टिप्पणी भी दे सकता है। बात करते हैं भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषता तथा उसके दोष भी आपको यहां पर बताने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी एग्जाम में छप रहा है, देख लेना, देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में 2022 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, साख की जो साइनिंग होती है, साख की जो राशनिंग होती है ना, राशनिंग का क्या अभिप्राय है, जो साख है उसकी राशनिंग का क्या अभिप्राय है, केंद्रीय बैंक के बारे में भी आपको यहां पर बताना है। ठीक, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी भी कर देगा या व्याख्या कर देगा करने के लिए, तो करना पड़ेगी हेडिंग डाल डालकर। बात करते हैं आगे, देखिएगा एसडीआर लाभ, खुले बाजार की कार्यवाही तथा आईएफसीआई पर आपको टिप्पणी देखने को मिलेगी, क्या इन पर टिप्पणी लिखो, रट लेना, देखने को मिलने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो छपने वाला एग्जाम में वो हो जाता है भारत निर्यात आयात बैंक के कार्य आपको बताना है, भारत में निर्यात आयात बैंक के आपको कार्य बताना है, ये क्या होते हैं, टिप्पणी लिखो, व्याख्या करो, बिल्कुल हेडिंग डाल डाल कर लिखना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। ठीक है, बात करते हैं, मतलब एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, राज्य औद्योगिक विकास निगम के कार्य आपको बताना है, जो राज्य औद्योगिक विकास निगम होता है उसके कार्य बताना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का इंपोर्टेंट रहने वाला है, भारतीय यूनियन ट्रस्ट पर एक लेख लिखिएगा, क्या लिखिएगा भाई, एक लेख लिखिएगा भारतीय यूनियन ट्रस्ट पर। आगे देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पर आपको क्या करना है भाई, टिप्पणी लिख देना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना हो जाता है। तो यहां पर अपने 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन आपको याद करना है, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बचने वाला नहीं है। तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को तोड़ फोड़ दो, जो कि आपका क्या हो, नोटिफिकेशन आपके घर पे जाके पहुंचे। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, फटाफट सब्सक्राइब, बिना करे तो जाना ही मत, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो यहीं पर मिलने वाली है। ठीक है ना, बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत।